हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर को हम एपीपी बोलते हैं। एयर प्री हीटर हमारे बॉयलर का बहुत ही मेन इंटीग्रल पार्ट होता है। आप बोल सकते हैं कि हम बॉयलर एसेसरीज है। हमारे एसेसरीज की बात करें तो मैंने लास्ट अपने टॉपिक में पढ़ा था इकोनोमाइजर के बारे में। तो इकोनोमाइजर और एपीएच दोनों ही हमारे क्या करते हैं कि बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं कि ये फ्यूल सेविंग करते हैं। इकोनोमाइजर के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा है लास्ट अपने टॉपिक में। एपीएच में क्या करते हैं कि हम जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो बॉयलर में कम्बशन के लिए एयर चाहिए हमको, अगर हमने बॉयलर में कम्बशन करना है, फ्यूल कम्बशन करना है, तो उसके लिए एयर चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि उस एयर को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से लेने के बजाय हम क्या करते हैं कि एपीएच के थ्रू जो फ्ल्यूगस में हीट है, यानी कि हमारा अगर हमारा जो फ्ल्यूगस इकोनोमाइजर से पास होता है और इकोनोमाइजर और हमारे जो एसी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का मार्जिन है उसके बीच में जो हीट है उसको हम एपीएच के थ्रू रिकवर करते हैं। तो एपीएच क्या करता है कि उस फ्ल्यूगस की हीट को यूटिलाइज करके हमारे एटमोस्फेरिक एयर है जो कि हम कम्बशन के लिए फर्नेस से भेजने वाले हैं, या फिर हमारा अगर हम बात करें पीए के थ्रू कन्वेइंग के लिए भेजने वाले हैं, तो उस एयर को वो प्री हीट कर देता है। इसलिए उसको हम एयर प्री हीटर बोलते हैं। यानी कि प्री मतलब पहले ही उसको हीट कर देता है। तो उस हीट करने से सबसे बड़ा फायदा हमारा क्या होता है कि एटमोस्फियर में, या फिर जब हम फ्यूल के साथ एयर को मिक्स करते हैं, तो फ्यूल में और एटमोस्फेरिक एयर में जो भी मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर क्या होता है, वो पहले ही स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, एक तरह से बोल सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा फ्यूल कम्बशन करेंगे तो क्या होगा कि फ्यूल कम्बशन के टाइम पे जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें मॉइस्चर है, वो क्या करेगा, कुछ सेंसिबल हीट लेगा और कुछ लेटेंट हीट लेगा, तो जाके फिर वो स्टीम में कन्वर्ट होगा और फिर वो कम्बशन के बाद फ्ल्यूगस में निकल जाएगा बाहर। तो वो हीट जो है, जो हीट लॉस होता है, उस हीट लॉस को हम प्रिवेंट कर देते हैं प्री हीट करने से। तो एयर प्री हीटर क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक एयर को पहले ही गर्म कर देता है बॉयलर में भेजने से पहले विद द हेल्प ऑफ फ्ल्यूगस। तो हमारे क्या होता है, अल्टीमेटली हमारा फ्यूल सेविंग हो जाता है जो उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए चाहिए था। तो इससे हमारा बॉयलर की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो हमें ये बेसिक तो पता है इसके बारे में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो एपीएच में रीजेनरेटिव एपीएच है। जैसा कि हमको पता है कि हमारा एपीएच दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रिक्यूपरेटिव, रीजेनरेटिव। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीजेनरेटिव एपीएच। जैसे कि आप डायग्राम से भी देख पा रहे होंगे कि ऐसा डायग्राम हमको रीजेनरेटिव एपीएच में ही मिलता है। तो रीजेनरेटिव एपीएच जो है काफी टेक्निकली मतलब टेक्निकल है एज कम्पेयर टू रिक्यूपरेटिव एपीएच से। क्योंकि रिक्यूपरेटिव एपीएच में क्या होता है, सिंपल सा एक साइड से हमने फ्ल्यूगस भेजा और दूसरे साइड से हमने एयर को दिया और दोनों का हीट ट्रांसफर ऐसा हीट एक्सचेंजर जैसा होता है कि हाँ एक पार्टीशन के थ्रू हमारा हीटिंग हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ पर अलग फिनोमिना होता है। तो उसी फिनोमिना के बारे में, उसी डिटेल के बारे में जानेंगे, कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानेंगे जो हमको जानना चाहिए एज कम्पेयर टू रीजेनरेटिव एपीएच के बारे में। और ये काफी बार कई बार पूछा भी जाता है, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है और बीओई में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो रीजेनरेटिव एपीएच के बारे में आज हमारा टॉपिक है। हम सबसे पहले इसके टाइप की बात करेंगे कि रीजेनरेटिव एपीएच कितने टाइप का होता है। तो अगर हम टाइप की बात करें तो पहला होता है एजिंग स्ट्रॉम और दूसरा होता है रोथमुले। तो एजिंग स्ट्रॉम और रोथमुले दो टाइप के रीजेनरेटिव एपीएच होते हैं। मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम एजिंग स्ट्रॉम को यूज करते हैं, रोथमुले को कम जगह, क्योंकि काफी बड़ा और हैवी होता है तो बहुत बड़े प्लांट में यूज करते हैं। लेकिन ये जो होता है ये कहीं भी फिट रहता है एजिंग स्ट्रॉम। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि एल्जिंग स्ट्रॉम में क्या होता है कि जो आपको दिख रहा है सर्कुलर बकेट टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो ये एल्जिंग स्ट्रॉम में बकेट घूमता रहता है। जो सर्कुलर सेक्शन है वो सैफ के ऊपर कनेक्टेड होता है रैक एंड पिनियन की मदद से वो घूमता रहता है। और इसमें क्या होता है, रोथमुले में क्या होता है कि ये सेक्शन है, जो सर्कुलर सेक्शन है वो स्टेशनरी रहता है,
और उसके ऊपर जो है डक्टिंग वो घूमता रहता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है एल एंगस्ट्रॉम और रोथमुले में। तो हम पहले इस सर्कुलर सेक्शन के बारे में बात करते हैं। इस सर्कुलर सेक्शन में क्या क्या होता है। सर्कुलर सेक्शन की पहले अगर इनकी टाइप में इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं कि ये बाइसेक्टरल, ट्राइसेक्टरल या क्वाड्रेक्टरल होते हैं, मतलब इसमें दो सेक्शन हो, तीन सेक्शन हो और चार सेक्शन भी होते हैं। तो दो इनमें क्या होता है, अल्टीमेटली दो सेक्शन में, दो तीन और चार सभी सेक्शन में क्या होता है कि हाफ पोर्शन में फ्लाइएज का पास होता है और बाकी हाफ में वो हम एयर को पास करते हैं। तो हम बाकी हाफ में से क्या, अगर हमारा प्राइमरी एयर है और सेकेंडरी एयर है, दो एयर है, तो हम क्या करते हैं कि बाकी हाफ में से वन थर्ड में से हम प्राइमरी को भेज देते हैं और टू थर्ड में से सेकेंडरी एयर को। लेकिन अगर हमारा मान लीजिए वही सेम क्वाड सेक्टर है या चार सेक्शन है, तो उसमें भी क्या करते हैं कि एक से हाफ पार्ट में हम पहले तो ये रिजर्व हो गया फ्लूगस के लिए और जो बचा हुआ पार्ट है उनमें से तीन सेक्शन करते हैं, तो एक सेक्शन में प्राइमरी एयर जाएगा और दो सेक्शन में एफडी यानी कि सेकेंडरी एयर जाता है। तो ये हमारा टोटल स्ट्रक्चर डिवाइड करते हैं 12 से 24 सेक्शन के बीच में। और इन सेक्शन, अगर हम छोटे सेक्शन की बात करें, तो इन सेक्शंस में सीट्स को, इनको हम बकेट्स बोलते हैं, सीट्स को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं सिंपल डायग्राम में, और भी आपको डायग्राम रियल टाइप डायग्राम आपको अटैच करूंगा मैं। तो इन सीट्स को बोलते हैं कोरोगेटेड सीट, क्योंकि क्या होती है कि अगर हम प्लेन सीट और इनको बोले अगर कोरोगेटेड सीट को यूज करेंगे तो क्या होता है कि प्लेन सीट सीधा सीधा होता है तो उनके बीच में सर्फेस एरिया कम होता है, लेकिन कोरोगेटेड सीट की यूज करने से क्या होता है कि उनका सर्फेस एरिया बढ़ जाता है और टेढ़े मेढ़े होने की वजह से उसके अंदर थोड़ा पाथ रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है। तो क्या होता है कि ये रोटेट करता रहता है। अगर हम बात करें एल एंगस्ट्रॉम में, ये पोर्शन जब रोटेट करता रहता है, ये जब पोर्शन रोटेट करता रहेगा तो क्या होगा कि यहां पे जब हम फ्लूगस आएगा ऊपर से, तो क्या होगा कि इन सीट्स को, इन स्टील के सीट्स होते हैं, इन सीट्स को हीट करता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, सीट्स हीट को ले लेती हैं। अगर हम बात करें सीट को सेक्शन अगर कट करें तो ये सेक्शन भी, ये जैसा आपको दिख रहा है पूरा सेक्शन, ये तीन तरह की सीट्स यूज होती हैं, एक हॉट टाइप का, एक इंटरमीडिएट टाइप का सीट और एक कोल्ड टाइप का सीट। तो ये जो होते हैं ये लगभग ये हॉट और इंटरमीडिएट माइल्ड स्टील होते हैं और ये जो कोल्ड होता है वो कॉटन या इनेबल्ड स्टील यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पे क्या क्रोजन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये कोल्ड जोन होता है, हम बोल सकते हैं ये कोल्ड जोन होता है बॉयलर का, तो यहां पे क्या क्रोजन के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए हम यहां पर कॉटन या इनेबल्ड स्टील को यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर भी बहुत इनलेट करता है तो उसका टेम्परेचर भी 35 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ्लूगस भी जो यहां से आता है और यहां से जब आउट होता है तो उसका टेम्परेचर भी काफी कम हो जाता है, तो मतलब 140-130 के आसपास टेम्परेचर होता है। तो ये कोल्ड जोन होता है, तो कोल्ड जोन में हम नॉर्मली हम इन करोजन को प्रिवेंट करने के लिए कॉटन या इनेबल्ड स्टील यूज करते हैं सीट्स, या फिर अगर हम बात करें हॉट और इंटरमीडिएट माइल्ड स्टील की सीट्स को यूज करते हैं। और अगर थिकनेस की बात करें, सीट्स की थिकनेस वो होती है लगभग 0.6 से 1.25 mm के आसपास होती है। ठीक है, तो ये सीट्स का हुआ। अभी इस प्रोसेस में क्या होता है, ये वर्टिकली रोटेट भी कर सकता है और हॉरिजॉन्टली रोटेट भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। अगर बात करें कि ये ऐसे भी रोटेट कर सकता है और ऐसे भी रोटेट कर सकता है, डिफरेंस क्या होगा कि हमारे जब भी बस डिफरेंस क्या होगा कि ये वर्टिकल शाफ्ट में कनेक्टेड होगा और ये आपको हॉरिजॉन्टल में। तो दोनों ही केस में चाहे कैसा भी हो, उनके अंदर जो फ्लो होता है यानी कि जो फ्लूगस का फ्लो और एयर का फ्लो दोनों ही क्रॉस फ्लो रहेंगे। अगर ये ऐसे आ रहा है, बाहर जा रहा है, तो ये इधर से आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर हमारा बात करें कि ये हमारा इनलेट है तो ये हमारा आउटलेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा
क्रॉस फ्लो होना चाहिए, दोनों केस में हमारा क्रॉस फ्लो जनरेट होना चाहिए, मतलब कि फ्लू गैस एक साइड से इन होगा तो अपोजिट साइड से एयर का फ्लो होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हीट ट्रांसफर क्रॉस फ्लो में, हमको पता है कि क्रॉस फ्लो में क्या होता है, हीट ट्रांसफर बहुत ज्यादा होता है, तो उस हीट ट्रांसफर को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें क्रॉस फ्लो रखते हैं। दूसरा क्या होता है, सबसे अगर इसकी बात करें तो सबसे बड़ा मतलब मेन जो थिंग है, मतलब आप बोल सकते हैं कि हाँ, जब सबसे इस सेक्शन का जो सबसे बोल सकते जान किसका आरपीएम, मतलब कि जो इसकी आरपीएम है बहुत कम होती है, इसका आरपीएम कम होने की वजह से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा हीट को ये अपने अंदर ग्रैप करता रहता है। तो अगर हम आरपीएम की बात करें, स्पीड की बात करें, तो लगभग 0.75 रोटेशन पर मिनट के आसपास ये घूमता रहता है, मतलब बहुत धीरे धीरे ये घूमता रहता है, और धीरे धीरे घूमने की वजह से क्या होता है कि काफी इसका जो सेक्शन होता है वो काफी देर तक कांटेक्ट में रहता है फ्लोगस के, और सेम वही एयर के कांटेक्ट में भी रहता है, जिससे कि क्या होता है कि प्रॉपर हीट ट्रांसफर इसके अंदर होता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि कॉर्गेटेड सीट यानी कि बंच ऑफ सीट टेढ़े मेढ़े होने की वजह से फ्लूगैस में चोक करता रहता है, तो जो सूटबैंक की होती है वो काफी देर तक चलती है, वो सूटबैंक हमारा एयर मोटर के थ्रू या एयर से भी करते हैं, और हमारा क्या कहते हैं आपका स्किन से भी करते हैं, तो डिपेंड करता है अपना कैसे करना है। नॉर्मली हम अल्टरनेट करते रहते हैं, एक बार एयर से एक बार स्टीम से करते रहते हैं, तो एयर से भी करते हैं और स्टीम से भी करते हैं। तो ये क्या होता है कि एक बार स्टार्ट करते हैं और ये ट्रांजर मूवमेंट होता रहता है आगे पीछे सुटोर का, और ये बहुत धीरे धीरे घूमता रहता है, लगभग ये आधे घंटे से 45 मिनट तक बोल सकते हैं, या एक घंटे तक भी सुटोर चलता रहता है, इसका काफी स्लो रेट से घूमता रहता है, तो सारे सीट्स को क्लीन करने के लिए काफी स्लो रेट से घूमता रहता है। इसके अगर हम ड्रॉबैक की बात करें तो इसके बेनिफिट्स हो गए, क्योंकि ये साइज में बहुत छोटा होता है और हीट ट्रांसफर भी काफी ज्यादा करता है, तो बेनिफिट्स इसके ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिक्यूपरेटिव के कंपैरिजन में, रीजेनरेटिव के बेनिफिट्स ज्यादा है। ड्रॉबैक इसका सबसे बड़ा है वो लीकेजेस, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है सेक्शन ज्यादा होने की वजह से इनमें एक्सियली और रेडियली बहुत सारे सेक्शन होते हैं जहां पे लीकेजेस होते रहते हैं, कि जिसका प्रेशर ज्यादा हुआ अगर मान लीजिए तो वहां से क्या होता है लीकेज होकर दूसरे सेक्शन में चलाता है एयर, तो क्या होता है इसके कारण हमारा क्या होता है सीलिंग बहुत सारे से प्रोवाइड की जाती है, और हमेशा जब भी हम शटडाउन में जब भी ओपन करते हैं तो हमको सील डैमेज ही मिलती है, तो उसको फिर से रिपेयर करना पड़ता है। तो सील डैमेज मतलब अगर हमारा थोड़ा मोड़ा लीकेज भी हो रहा है तो हमारा क्या होता है आउटलेट में, हम बात करें फ्लूगेस आउटलेट की बात करें तो फ्लूगेस आउटलेट में हमको कंपेरेटिवली ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू इनलेट में, हमें पता चल जाता है कि हाँ इसका सील काफी डैमेज हो गया है, तो हमें पता चल जाता है इसके O2 बढ़ने से ऑक्सीजन बढ़ रहा है, इसका मतलब काफी सील डैमेज हो चुका है, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा उससे हमें इसके बारे में पता चल जाता है कि हाँ कितना सील डैमेज हुआ है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर भी हमारा डाउन हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा फ्लूइड हमको पता है निगेटिव प्रेशर के अंदर होता है और एफडी और पीए पॉजिटिव प्रेशर के अंदर, तो चांसेस क्या रहेंगे मैक्सिमम हमारे एफडी या पीए के एयर फ्लूगस में मिक्स होने के, तो क्या होता है कि उस केसेस में क्या होता है हमारा नॉर्मली जो आउटलेट में टेम्परेचर होता है फ्लूगस का वो भी कंप्लीटली डाउन होता है एज कम्पेयर टू रिक्यूपरेटिव में, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि रीजन पे ज्यादा एफिशियंटली मतलब डिजाइन किया सेम डिजाइन पे काम कर रहा है, जितना डिजाइन है उसके अलग वो एफिशियंट काम कर रहा है, बट ऐसा होता नहीं है, वो डिजाइन पे ही होता है, लेकिन उसके अंदर लीकेजेस होने की वजह से टेम्परेचर उसका डाउन हो जाता है। तो ये एक ओवरथ्रो हुआ, काफी कुछ हमें इसके अंदर आपको जानने को मिला है, और भी कुछ मिलेगा आपको लगता है कि हाँ और कुछ भी जानना है तो प्लीज कमेंट करिएगा और जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।